हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो शिक्षक भर्ती चल रही है, जो इसकी विज्ञापन 2019 में आई हुई थी, है ना। तो उसमें शिक्षक वर्ग दो, कौन से पद में बता रहा हूँ, शिक्षक वर्ग दो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। इन पदों पर जिसने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको इतना वेतन उसको मिलेगा, ठीक है, जितना भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ओके। तो वित्त विभाग के पत्र के अनुसार आप जानते हैं कि पहले साल में वेतन का 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90%, इन तीनों साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने वेतन का सारे मतलब 100% दिया जाएगा। विदित है कि जो वर्ग दो का जो पद है, ठीक है, वर्ग दो का पद 4200 ग्रेड पे है। इसका कितना ग्रेड पे है, इसका 4200 ग्रेड पे है, और इसका जो बेसिक पे है, मूल वेतन है, वो 35400 है, ठीक है, 35400 इसका बेसिक पे है, मूल वेतन है, ओके। तो हम इसी पर कैलकुलेट करके अभी देखेंगे कि अभी आपको ज्वाइन करते ही पहले साल में आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में, ठीक है। तो ये अभी आप देख पा रहे होंगे, तो देख पहले साल जब आप 35400 जो कि आपका बेसिक मूल वेतन है, इसका आप 70% निकालेंगे तो इतना बनेगा, द्वितीय साल में इतना बनेगा और तृतीय साल में इतना बनेगा। तो ये आपके लिए उस साल का बेसिक पे हो गया, ठीक है, ये उस साल के लिए बेसिक पे हो गया। चूँकि अभी भूपेश बघेल की सरकार ने 12% से बढ़ाकर महंगाई भत्ते को 17% कर दिया है, केंद्र सरकार का भी महंगाई भत्ता अभी 28% है रनिंग में, इस अभी जो करेंटली चल रहा है, हो सकता है आगे 3% और बढ़ने के चांसेस है अक्टूबर आसपास तक में, लेकिन भूपेश बघेल अभी छत्तीसगढ़ में इसका 17% है, जो कि जुलाई से लागू कर दिया गया है इसको, है ना। तो इस वेतन का, मूल वेतन का आप 17% निकालेंगे, ठीक है, 24,780 का, तो आपका 4213 रुपये बनेगा। अब ये मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, मतलब इसको और इसको जोड़कर ये बन गया आपका ये पूरा योग वेतन, ठीक है, इसको योग वेतन कहते हैं। जब महंगाई भत्ता और आपका बेसिक पे को जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं योग वेतन। उसके बाद मकान किराया भत्ता 6 पे का 7% है ये, तो ये 945 रुपये है, इसके लिए बनेगा, ठीक है। गतिरोध भत्ता आपको TA मिल जाएगा 600 रुपये, मेडिकल भत्ता आपको 200 रुपये मिल जाएगा, सकल वेतन जो इसमें तीनों है ना, चार पाँच छः को जोड़ दो इसमें से, मतलब ये 3, 4, 5, 6 इन जो आपको यहाँ सर्कल दिख रहा है, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो सकल वेतन है ना, सकल वेतन यहाँ पर 30,738 रुपये बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसमें कटौती होता है जो हमारे NPS में जाता है, ठीक है ना, NPS का राशि है ना, ये उसमें जमा होता रहता है जो बाद में हम पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इस सकल वेतन में से ये 2899 रुपये कट जाएगा, ठीक है ना, है ये कट जाएगा, जो कि एक वेतन का कौन सा 10%, योग वेतन का 10%, जो हमारा ये जो वेतन है ये, ठीक है, इसका 10% कट जाता है, जो मूल वेतन रहता है और 17 महंगाई भत्ता रहता है को जोड़कर जो योग वेतन बनता है, इस योग वेतन में से 10% काटा जाता है और 300 रुपये और काटा जाता है GIS कटौती। तो ये कुल मिला के डिडक्शन हो गया आपका 3,199 रुपये का। किससे डिडक्शन हुआ, सकल वेतन से डिडक्शन हुआ, 10% NPS में जाएगा और GIS कटौती होगा, 3199 रुपये इसमें से ये माइनस हो गया, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 27,538 रुपये। ये आपका इन हैंड सैलरी है, इन हैंड मतलब जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, जिसको है ना आपके अकाउंट में आएगा। इसी प्रकार यहाँ दूसरे साल के लिए देख सकते हैं, ठीक है, दूसरे साल का यहाँ पर क्या है, पहले मूल वेतन 28,320 रुपया और यहाँ पर आपका ये हो गया 17% महंगाई भत्ता, DA योग वेतन और ये HRA है ना, और गतिरोध भत्ता, मेडिकल भत्ता, सकल वेतन, और ये कट गया 10% बेसिक प्लस DA का, ठीक है।
और 300 रुपये GIS कटौती हो गया और कुल कटौती इतना हो जाएगा और ये माइनस होकर 31,266 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। तीसरे साल में आपको 34,999 रुपये मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 38,721 रुपये मिल जाएगा पूरा, ये आपको इन हैंड मिलेगा 38,721 रुपये। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये अभी जैसे 17% ये आपको DA मिल रहा है, अगले साल हो सकता है ये 17 से बढ़कर 25% हो जाए, तो भाई ये जो आपका बेसिक है ना उसका 25% मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस साल तो 17% रहेगा और मान लो 25% हो गया, तो अगले साल क्या होगा, 28,320 रुपये का 25% निकालेंगे, ठीक है। तो इससे हो सकता है जो सैलरी है ये 31,266 है वो हो सकता है आपका 32,500 रुपये आसपास, या मैं अंदाजन बता रहा हूँ इतना अराउंड हो जाए, ठीक है। तो ये बढ़ सकता है, जैसे जैसे DA बढ़ेगा आपका सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ने लगेगा, ठीक है। और ये रही एक छोटा सा कैलकुलेशन, लेकिन इसमें एक बात मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो आपका प्रथम साल, द्वितीय साल, तृतीय साल के दौरान इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि जो कि जुलाई में लगता है, वेतन वृद्धि लगेगा कि नहीं लगेगा इसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। वेतन वृद्धि इस ड्यूरेशन में लगेगा कि 3 साल तक नहीं लगेगा या 3 साल के बाद एरियर के रूप में मिलेगा, इसका पता नहीं है, ठीक है। इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपको पता है, कोई ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में किसी और पर कार्यरत हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट करके आप पूरी जानकारी ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके, ओके। तो ये रहा छोटा सा कैलकुलेशन, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा ज़रूर दबाइए।